Good morning everyone. I hope you all are fine. In the last chapter, we have already completed lesson 21 and topic was sexual. हम लोग ने last chapter में already 21 complete कर चुके हैं और उसमें वो sexual rules है वो already complete हो चुका है. I hope हम लोग को ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आ गया. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है chapter 22. ये हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. इसके बाद हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे. तो चलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे. आप देख रहे हो पिक्चर में कार, ट्रेन, ये है आपका एरोप्लेन एंड बोट. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? द व्हीकल दैट आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग. सबसे पहले तो आप बुक खोलोगे पेज नंबर 54. सी 54 खुला है. अब उसमें देखना है कि क्लाइंट क्या लिखा है. द वेगल दैट आर यूज फॉर ट्रैवलिंग फॉर वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वेगल क्या होता है? होता है ये है कि जिस वेगल पे हम लोग बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसका यूज करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है, ये देयर आर फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये चार होते हैं. कौन? रोडवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो रोडवेज जो होता है वो रोड पे जाता है. जैसे कार, आप स्कूल जाते हो तो किस चीज से आते हो? हेलीकॉप्टर से तो नहीं आते हो स्कूल से, तो वो एयरवेज है, उससे आओगे नहीं. बोर्ड से नहीं आओगे तो आप लोग स्कूल बस यूज करते हो. स्कूल बस पे आते हो या मम्मी के साथ या पापा के साथ अपने गाड़ी पे आते हो तो हम लोग उसको रोडवेज कहते हैं क्योंकि वो रोड पे चलता है. नेक्स्ट रेलवे. रेलवे जिसको हम लोग ट्रेन या रेलवे रेल कहते हैं जो कि हमेशा ट्रैक पे चलता है, पटरी पे. ओके, तो ट्रैक पर सिर्फ एक ही चलता है, वो है आपका रेल. नेक्स्ट है आपका वाटरवे. वाटरवे है आपका बोट जो कि हमेशा पानी में हम लोग देखते हैं, पानी में ही चलता है. बोट है, शिप है और यार्ड है, ये सब जो होता है पानी में चलता है. तो बोट आप कहाँ देखते हो? जब आप लोग घर नानी के घर जाते हो, गांव में जाते हो, नदी पार करना होता है तो उसमें आप कार यूज नहीं कर सकते हैं नदी पार करने के लिए. पानी में जो सैर से जा नहीं सकते हैं उसके लिए हमको बोट का यूज करना पड़ता है. बोट में बैठ कर वो चलाता है, फिर हम लोग नदी पार करते हैं. ओके, तो ये हमारा वाटर वे है. नेक्स्ट है हमारा आपका एयरवे जो कि आपका एरोप्लेन. जब आप एरोप्लेन में उड़ते हो आसमान में तो वो हमारा एयरवेज होता है. जितने भी आप आसमान में उड़ता है वो एयरवेज होता है, चाहे वो एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो या रॉकेट हो, वो सब हमारा एयरवेज है. और रोड पे जितने चीज जाते हैं जैसे कार, बस, साइकिल, मोटरगाड़ी, ये सब जो होता है आपका रोडवेज. रोडवेज का मतलब रोड पे चलना. एयरवेज का मतलब हवा में उड़ना. वाटरवेज का मतलब पानी में चलना. और रेलवे का मतलब जो रेल पटरी पे जाता है वो. तो ये सब माइंड में रखकर आपको अगर कोई पूछे आपसे कि फाइव एयरवेज या कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलो तो सारा मिक्सअप होकर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है जो कि हम लोग हर चीज पे यहाँ से वहाँ हम लोग जाने में हेल्प देता है. ओके, आई होप ये समझ में आया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी जो मैंने ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं. ओके बाबू, थैंक यू.